हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। गाइस, मैं लेके आया हूँ कल की बात, आज 124 नंबर एपिसोड, यानी कि आज 21 दिसंबर है और हम एडवांस में एनालिसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल निफ्टी में क्या करें, आज आपने देखा होगा काफी दिनों के बाद एक अच्छी खासी गिरावट आई है मार्केट में। मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने हमारा 10 दिन का क्लास अटेंड किया था, गाइस ये जो ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी में ठुकाई हुई है, इतने बड़े टारगेट्स के जो प्रॉफिट आया है, क्या हमारे क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी में आया था? क्या आप यस और नो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, स्ट्रेटेजी रिवील मत करना। लेकिन मार्केट में कुछ भी न्यूज हो, बहुत तरह के यूट्यूबर्स आएंगे, बताएंगे ऐसा हो गया वैसा, अच्छी बात है, थम्स अप। क्या आपने पैसा बनाया? दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन जो मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं। तो मेरे भाई, मैं हमेशा बात करता हूं ट्रेड विथ प्रॉपर सेटअप, तो प्लीज गो एंड चेक इन आवर क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी, क्या प्रॉपर सेटअप में आया था ठोक दो लाइक। चलिए तो हम बात कर लेते हैं थोड़े से आज हमारा परफॉर्मेंस की। दो चार कॉल्स कुछ आज हमारी पिट गई हैं, नहीं चल पाई हैं, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगूंगा। लेकिन बट अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा, एक एक लॉट में, सिर्फ एक सिंगल सिंगल लॉट में आपने फॉलो किया होगा, पैसा तो बन गया होगा। आइए, ऑरो फार्मा याद है आप लोगों को, मैंने फार्मा बाई करने के लिए बोला था 5400 रुपए का। लुपिन आपको मैंने बोला था, अपोलो टायर 180 का पुट 3 रुपए से 10 रुपए चल गया, जो करेक्शन आया, जो मार्केट में आज अच्छी खासी गिरावट आई है। क्यों? याद है कोरोना वाला दिन, कोरोना के टाइम पे भी मार्केट गिरी थी और आफ्टर 9 से 10 महीने के बाद में फिर से कुछ कोरोना का नया वर्जन या फिर कुछ उससे रिलेटेड कुछ और नया कोरोना, जो कि ब्रिटेन में, और उस वजह से जो फ्लाइट्स है, इंडिया ने भी, गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप लिया है कि भैया उनकी जो, हमारी जो फ्लाइट्स है वो भी रद्द कर दी जाएंगी 31 तक। यहाँ पे कोई फ्लाइट्स उनकी वहां से नहीं आएंगी ना हमारी जाएंगी, क्या कुछ ऐसा डिसीजन था जिसके वजह से निफ्टी धराशायी हो गई आज, राइट? भूल जाओ क्या न्यूज है, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, न्यूज देखेंगे, क्या क्या करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ट्रेड सेटअप की बात करते हैं। उस सेटअप पे देखो 31,250 का प्रॉफिट आया। MFSL, इसमें भी आपको मैंने थोड़ा बहुत दिया। MFSL का पुट में 1,000 रुपए 2,000 रुपए का आपका टारगेट रहता था, याद है, उसमें भी आ गया। गोदरेज सीपी 6,000 रुपए का आया, गोदरेज सीपी 780 का कॉल, आई एम सो सॉरी 3 रुपए का स्टॉप लॉस, क्लियर कट मेंशन दे दिया, 3,000 रुपए का लॉस बुक करो। सीमेंस, आई एम सो सॉरी 20,000 का नुकसान है, सीमेंस ऑप्शंस में 3,000 का नुकसान है, सिप्ला में 26,000 रुपए का नुकसान है। यस भाई, आई एक्सेप्ट माई कॉल्स, 26,000 का नुकसान है, सिप्ला का ऑप्शंस दिया उसमें भी नुकसान है। बट अगर इन सब का मैं टोटल करूं, 6,000 रुपए आपको ग्रीन में दिख रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बुक इन 6,000 रुपीज, नो प्रॉब्लम, कॉस्ट टू कॉस्ट गए, या फिर चलो 10,000 रुपए आपके जेब से गए भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, एवरी डे इज नॉट योर डे, हमेशा ये चीज मेरी बात याद रखना। और हम लोग हमेशा लॉस के लिए काम करो, आज थोड़ा सा मार्केट में हम लोग सिप्ला में फंस गए, अदरवाइज सब खींच के ले जाते हैं, आज भी 50-60 हजार, जैसे पिछला फ्राइडे को भी 1,00,000 के ऊपर प्रॉफिट था, याद है, कोई बात नहीं है, 6,000+ में मैं कहता हूं जीरो हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड विद प्रॉपर SRM स्ट्रेटजी, हमेशा बोलता हूं, सीखना, सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जो नए लोग हैं फिर बोलेंगे ऐसे लोग हैं, टारगेट हो गया, भैया लॉस के लिए भी ट्रेड करना सीखो, बिलीव मी गाइस। तो आप पूरा कैपिटल एक बार में मत लगाओ, ट्रेड एज पर योर रिस्क कैपेसिटी, हमेशा बोलता हूं। एनीवे, निफ्टी फ्यूचर्स आपको याद है मेरा मंत्र है, एनीवे, तो इंट्राडे के लिए, कल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यस फॉर टुडे यानी कि टुमारो, इफ गैप अप ओपनिंग, ध्यान से समझना, गैप अप ओपन होता है, देन फर्स्ट 45 मिनट्स सेलिंग प्रेशर विल कम ऑन राइज, ओनली सेल कहां पे, 13,530, 13,570 पे, अब ठोकने की बारी है इंट्राडे में और 102 दिन में। If you seen 13,530, 13,570, only think for the sell. Okay, crucial support 13,147, 13,070 है, इस लेवल पे आता है तो हम फिर से बाइंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में हम ग्रीन में रहना चाहते हैं, रेड में नहीं रहना चाहते, ओनली बाई इन दिसंबर मंथ, यू शुड वेट फॉर दैट लेवल्स, कौन सा लेवल, 13,147, 13,070 का लेवल पे आप बने रहें तब बाई करेंगे, अदरवाइज 530-570 पाए तो सेल करने का सोचो, गैप अप खुला है तो 15-45 मिनट्स के अंदर आप देखना रैली कहां की तरफ आती है।
अब मैं बात करता हूं कुछ बैंक निफ्टी की मेरे बड़े भाई। लास्ट क्लोज 29,290 यस फॉर टुडे। इफ गैप अप ओपनिंग देन फर्स्ट 45 मिनट्स इसमें भी सेम कंडीशन, सेलिंग प्रेशर विल कम ऑन राइज। ओनली थिंग फॉर द सेल 29,870 30,156 सेल करने का सोचो एंड सेट, रिलैक्स करो। क्रूशियल सपोर्ट जो रहेगा नीचे का, बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 29,156 28,700 रहेगा। ओनली बाय इन दिसंबर 1 इट विल जूम टू किस समथिंग कुकिंग वीक, जो हमने फ्राइडे को भी लेवल दिया था। प्लीज जाकर चेक कर लेना मेरे लेवल्स, किस लेवल पे हमने सेल बोला था, बाय बोला था, अभी दिखाता हूं मैं आपको। एनीवे इन पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाइंग साइड, ओवरऑल पूरे दिसंबर मंथ का बोलूंगा। अच्छा मैं थोड़ा सा पहले जाऊं आपके लिए, कल की बात आज एपिसोड निफ्टी में आपको, ये कौन सा एपिसोड जो मैंने बनाया था, लास्ट एपिसोड बनाया था जिसमें 1,22,000 रुपए का परफॉर्मेंस था मैंने आपको डाला था। ये देखो सर 121वें एपिसोड में, ये देखो, लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस ब्यूटी ऑफ द सर 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 वंस ब्रेक 13,527 13,527 के नीचे ब्रेक करेगा, बताया था 13,470 आज का लो, आप प्लीज जाके चेक कर लेना। एडवांस में एक हफ्ते पहले ही अपडेट कर दिया था मेरे बड़े भाई, बस आपको पेपर में नोट करना है। और मजे की बात, मॉर्निंग में टॉप के लेवल्स पर ठुकाई हुई है इन आवर क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी। फिर से मैं बोल रहा हूं सर, मेरे पास टाइम ही नहीं रह पाता, मैं अपनी स्ट्रेटेजी का ही परफॉर्मेंस में अपडेट नहीं कर पाता, उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं टीम रख रहा हूं सर, धीरे धीरे थोड़ा सा कोरोना सही हो जाए उसके बाद मैं आपको अपनी हर स्ट्रेटेजी का डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, वो भी 10 से 12 फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्ट्रेटेजी दी है ना आप उसको हल्के में ले रहे हो, नहीं भाई उसी परफॉर्मेंस से कैसा पैसा बनाते हैं, लाइव ट्रेडिंग भी करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। जस्ट हैव पेशेंस एंड वेट एंड वॉच, राइट। तो गाइस ये एक वीडियो मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं जिसमें 4200% ROI कितने के इन्वेस्टमेंट में, ओनली 47,000 के इन्वेस्टमेंट में 20,00,000 के ऊपर का प्रॉफिट बनाया, वो भी 5 से 5.5-6 महीने के अंदर। क्या ये पॉसिबल है 42%? कमेंट सेक्शन में इतना, अगर आपको कितना परसेंट मंथली या फिर 6 महीने आपको कितना परसेंट मिल जाए तो आप सेटिस्फाई हो, या मंथली अगर आपको कितना परसेंट मिल जाए सेटिस्फाई हो, 3 ऑप्शन देता हूं, 5%, 10%, 15%, बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप किस में सेटिस्फाई हो, 5% मंथली ROI मिल जाए, 10% मिल जाए, 15% मिल जाए, मैं जानना चाहता हूं आपसे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और हमने तो 4200% ROI बनाई है, नो ब्ला ब्ला ब्ला, इसका भी वीडियो आपको डाल दूंगा। ट्रॉलर्स नेगेटिव डिसलाइक ठोकने से पहले 10 बार सोच लेना, रोक सको तो रोक लेना मेरे भाई। गाइस अगर आप भी सीखना चाहते हो मोस्ट वेलकम है, लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेडर्स ओनली, एक ही मेरी आपसे दुआ है और रिक्वेस्ट है, जो भी हो, जरूरी नहीं कि मैं हूं, बहुत सारे मार्केट में ट्रेडर हैं, उनसे जाके सीखो, लेकिन सिर्फ ट्रेडर से ही सीखना है, नो ओनली ज्ञानबाजी प्लेयर्स कि बोला था ना, ये बोला था ना, वीडियो में ऐसा कहा था ना, वो कहा था। खुद ट्रेड करते हो करेंगे, नहीं करते हो दूर रहना भैया। 11 जनवरी 2021 आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, अर्ली बर्ड ऑफर कुछ सीट्स लिमिटेड है, क्रिसमस ऑफर पे भी आपको चल रहा है, तो हमारी टीम का कॉल बैक कर लीजिए, आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोबारा ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहे। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, लव यू ऑल, कल मिलता हूं 9:15 पे, कुछ कल धमाका करेंगे, बाय बाय।